हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। मुबीना कृषि फैमिली व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे जो है ना, समर वेकेशन हो गया ख़त्म, तो अब ये लूडो खेली जा रही है। थोड़ा सा मैं छोटियों को, बच्चियों को कहती हूँ उनको कि उनके साथ खेला करो, ताकि इनको काउंटिंग वगैरह और थोड़ा सा आईक्यू लेवल अच्छा हो बच्चों को, ताकि काउंटिंग में उसमें है कि 3 माइनस किया, 4 ऐड किया, तो प्लस और माइनस के थोड़े से बच्चों को एक्टिव हो जाते हैं सवालों में। अच्छा, यहाँ पे जो है बारिश लगी हुई थी, सुबह से बहुत तेज़ बारिश लगी थी, तो फिर ये जो है ना शाम के वक्त भी काफ़ी देर तक इस्लामाबाद में बारिश लगी हुई रही थी। 2 दिन तो लगी रही है ना बारिश। यहाँ पर मैंने फिर ये जो है ना आटे में थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर और चीनी डालकर ना फिर ये सौंफ डालकर हमारी अम्मी जी आती थी, तो ये इसको पूड़े भी कहा जाता है। जब बच्चा चलने लगता है ना हमारे यहाँ, तो पहले अब ये तकसीम किए जाते थे, अब तो खैर ये चीज़ें रही नहीं है। तो हम छोटे छोटे होते थे ना, तो हमें सब बकायदा जब बच्चा न्यू जो चलने शुरू होता था ना, तो फिर तमाम घरों में ये मीठा बना कर तो भेजा जाता था, ताकि बच्चा जो चलने लगा है वो एक तो गिरे ना, नया नया चलना सीखते ना, तो उसके लिए फिर ये मीठा थोड़ा सा बना कर तकसीम किया जाता है। अब किस किस के घरों में ये ऐसा होता था, हमारे जो है ना बुज़ुर्ग ये करते थे। अच्छा, यहाँ पे वैसे भी से शाम की चाय वगैरह के लिए इस बनाया जाता था। अब बारिश हो रही थी, तो फिर मेरे बच्चों ने कहा मम्मा जो नानी अम्मा बनाती थी ना हमें वो भी बना कर दें, तो फिर मैंने उनको ये बना कर दी है, उनकी जो थी ना विश पूरी करके दी मैंने। और फिर मुझे अपनी अम्मी भी याद आती रही कि मैं बनाती तो रही हूँ, लेकिन मुझे यही था कि उनकी यादें जो है ना फिर दोबारा से माइंड में घूमना शुरू हो गई, और फिर मैं बनाती तो रही हूँ, लेकिन अंदर से फिर जो वक्त गुजरा है उनके साथ वो फिर सारा याद आता है। अच्छा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, बेकिंग सोडा डालें या मीठा सोडा डालें ना, और बहुत मज़े के बन जाते हैं। इसमें सॉफ्ट डालेंगे ना आप, और चीनी और बेकिंग सोडा, आटा, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके अगर बनाएंगे तो बहुत मज़े की बन जाती है। अच्छा, यहाँ फ्राइडे था अगले दिन, तो फिर मैंने सूर्य यासीन वगैरह पढ़ी है, ग्रंथ पाक पढ़ा था, और सूर्य यासीन लाजमी आप पढ़ा करें। ये जो मुबीन वाली ना रिज़्क के लिए भी बहुत अच्छी है, और वैसे भी कहते हैं कोई ख्वाहिश हो तो फिर उसके लिए भी आप पढ़ सकती हैं। बाकी अल्लाह ताला जो है ना, हम अपना अपने अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। बाकी ये ज़िंदगी के जो तमाम हिस्से हैं ना, ये तमाम हम ऐसे ही गुजारेंगे, जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कुरान पाक को पढ़ने का, बस उसके हुक्म पर हम अमल कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इसे तौफीक दे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने सारे बेड हटाए हैं, क्योंकि बरसात शुरू हो गई ना, तो इसमें मकड़ी जाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो फिर बेड सारे हमने हिलाए हैं, सारे वैक्यूम क्लीनर नीचे से बेडों के से मैंने निकाला है। माहिन और मैं दोनों हम लगे रही हैं, और यहाँ पर माहिन अब थोड़ा सा मैंने इसको कह के मट्टी सारी जितनी भी है ना आप वैक्यूम से इकट्ठी करो, तो साथ में मैं जो है ना हांडी बना रही थी सैटरडे को, फिर जो घर पे होते हैं हस्बैंड भी तो काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, फिर माही है फिर मैं हेल्प करवा देती है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ना बाबा भी इनके लगे हैं, और मैं भी, और जो जो जहाँ जहाँ मट्टी डस्ट थी जाले थे हमने तमाम वैक्यूम से जो है ना बिल्कुल सफाई की है, तो दीवारें और सेफ अलमारी पर खास पे ऊपर जो होती है ना शेल्फ होती हैं जो, तो उसको वो मेरे से क्लिप्स नहीं बन सके, तो यहाँ पर मैं जो है ना मैंने साथ में ये पाए बनाने थे, तो उसके लिए जो है ना प्याज फ्राई किए हैं, टमाटर डाल के मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जो है ना मैंने ये जो है लहसुन को जो है देसी लहसुन लेकर उसको मैंने साफ करना शुरू किया था। अच्छा, यहाँ पे माइन को मैंने कहा आप ये जो है ना वैक्यूम लगाओ, और मैं जो है ना ये फिर खाना कुछ कुकिंग कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना लाहौरी पाए की जो है रेसिपी आप लोगों के साथ मैं अब शेयर करने लग रही हूँ। यहाँ पर आपने लहसुन और हल्दी गरम मसाला जो है ना, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है पायों में, आप अगर ये नहीं ना डालेंगे तो आपका टेस्ट नहीं बनेगा। धनिया, मिर्ची, हल्दी, लहसुन और गरम मसाला पिसा हुआ भी लिया मैंने, कुटा हुआ भी लिया, और जिसमें जो है ना बड़ी इलायची जो है ना ये आपने शुरू में भी एक डाली और एंड पे भी, सारा मज़ा जो है ना बड़ी इलायची से ही पायों का बनता है। ये तमाम मैंने फ्राई करके मैंने इसमें जो है ना तमाम मसाला जात बन डाल दिए थे, और मैं इसको जो है ना तमाम जो है इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी इसको, और फिर यहाँ पे जो है ना पायों में अक्सर ये मसला होता है कि पायों में बाल जो होते हैं ना वो बड़े मुश्किल से उतरते हैं, फिर यहाँ पे मैंने हालांकि धोकर भी रखे थे, लेकिन फिर भी जो है ना उसमें कुछ लगे हुए नज़र आ रहे थे, फिर मैंने गर्म किया पानी को, तो हमारी अम्मी तो इस पर आटा और तेल लगा कर ना फिर इसको धोती थी,
तो मैंने उस टाइम नहीं किया था। सरसों का तेल ज़रा थोड़ा सा इस पे लगा देना, तो इसको धो लें आटे के साथ मिक्स करके, तो वो बहुत अच्छे धुल जाते हैं। फिर ना हल्के नीम गर्म पानी में मैंने इसको धोया है, और उस पर इसको मैंने मसाले में डालकर और इसको कुकर में गलने के लिए अच्छे से रख दिया था। पाए अगर जितने अच्छे गले हुए हो ना, उतने ही मज़े की ग्रेवी इसकी बनती है और बहुत टेस्टी लुक आती है। और जो मैंने बड़ी इलायची का है ना, वो बनाई करने के बाद एंड पे आपने जब शोरबा लगाना है ना, शोरबा आपने थिक लगाना है, जैसे अगर जैसे आप खाते हैं वैसे आप लगा लें, और इसमें बड़ी इलायची एंड पे डालनी है। मैं आखिरी लुक अभी आपको दिखाऊंगी इसकी। मैंने थोड़ी सी इसको अच्छे से गला लिया था, और फिर मैंने जो है ना इसकी भुनाई की है। और उसके बाद जो है ना, जब आप कुकर में इसको फ्राई करके बनाएंगे ना, तो ये भुनाई भी कम होती है इसमें। देख लें, मैंने फ्राई भी नहीं किए थे प्याज़ों को, लेकिन इसकी रेडिश कलर बिल्कुल आया हुआ है। और हांडी में अगर आप गोश्त अगर पका रहे हैं या चिकन बना रहे हैं, उसमें अगर आप लहसुन अच्छी मकदार में डालेंगे ना, इतना ज़्यादा भी ना हो जाए, लेकिन ये कि अच्छी मकदार में डालेंगे, तो देखिएगा आपकी हांडी का फ्लेवर कितना अच्छा बनता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने बड़ी इलायची डालकर और मैं इसमें ना शोरबा लगा दूंगी, जितना भी है। मैं थोड़ा सा थिक ही होता है, हल्का ना थिक हो ना सख्त हो, यानी कि दरमियाना होना। मैं इसमें पानी लगा कर इसको थोड़ा सा फिर थोड़ा सा इसको उबाला दूंगी, और देखिएगा कि ये कितना मज़े का और टेस्टी। और आप बना कर भी देखेंगे तो आप कहिएगा कहेंगे कि वाकई के पाए का जो टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा है। और उसमें जो एंड पे बड़ी इलायची हम लोग डालते हैं ना, उससे बिल्कुल बाजार के सिरी पाए जैसा फ्लेवर इसमें आता है। अच्छा, ये मैंने फिर इसको मैंने हल्का सा गलने के लिए रख दिया था, और फिर जो है ये बहुत मज़े के बन गए थे, अच्छे बन गए थे। हस्बैंड ऑफिस भी ले गए थे, तो वो भी सब कहते कि बहुत मज़े के बने हुए थे पाए ना। तो ये मेरे हस्बैंड भी कुकिंग कर लेते हैं, तो वो भी कह रहे थे कि नहीं, बहुत मज़े के अच्छे बन गए ना पाए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, फिर मैंने ये बना लिए थे पाए, और फिर मैंने इसको अब आखिरी जो है ना यूट्यूब पर और इंस्टा पर लगाने के लिए स्टोरी, फिर मैंने ये इसको निकाला है, और इसकी ये आखिरी लुक आप देख सकते हैं कि देखें कितनी अच्छी है। गर्म गर्म फिर हम लोगों ने गर्म गर्म पाए जो थे खाए नान के साथ, और वो क्लिप मैं फिर नहीं ऐड कर सकी, क्योंकि सैटरडे संडे को इतना मसरूफ़ दिन होता है ना, कि बंदा लाख चाहे भी ना कि थोड़ा कुछ वीडियोस क्लिप बना ले, तो वो नहीं बंदा बना सकता। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने ये गरम गरम पाए बना लिए, तो उस पर एंड पे मैंने इस पर धनिया स्प्रिंकल कर दिया था, और नींबू का इस्तेमाल अगर जितना भी आप, जैसे बरसात है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें नींबू, बंद गोभी, सलाद वगैरह ज़्यादा खाएँ, क्योंकि इसमें जो है ना ये जरासीम वगैरह जो है ना ज़्यादा पैदा होता है, और कुत मुदाफ़त पैदा होती है। ख़ासतौर पर बरसात के महीने में आप लोगों ने नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। ये मैं अभी इसमें कटिंग किया था बेटे ने मैंने, तो फिर साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी ये बात कि आप नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अच्छा, यहाँ पर जो है ये फिर आखिरी लुक जो है ना इंस्टा के लिए फिर हम लोगों ने बनाई है। मेरा बेटा काफ़ी मेरी हेल्प करता है वीडियो बनाने में और क्लिप्स वगैरह में लगाने में, और मैं तो काफ़ी मेरी हेल्प कर देते हैं ना, तो फिर यहाँ पर मैंने उसको बताया कि आप एक क्लिप बना दो, मैं जो है ना फिर अगर बाज़ार से रोटियां मंगवानी थी, तो बाज़ार से आजकल जैसे बरसात हो रही है उसमें तो दिल ही नहीं करता ना रोटी पकाने को, एक आटा गूंदने को और रोटी पकाते हुए, तो कहते हैं लेडीज़ बेचारी वो मौसम में कैसे है ना कि चूल्हे के पास खड़े हो तो बहुत गर्मी और कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, इतनी सख्त गर्मी हो रही थी। अब तो ये शुक्र है कि बारिशें लगी हुई हैं, तो अब अच्छा मौसम हुआ है इस्लामाबाद का, वरना इस्लामाबाद में ग्रीनरी ज़्यादा है ना, तो उसकी वजह से इस इन दिनों में ना मौसम बहुत हब्स वाला हो। बाकी ये मैंने अपनी सेकंड चैनल पे इंशाल्लाह मैं रिव्यू शेयर करूँगी एयरफॉल के लिए, और जो है डैमेज एयर के लिए ये सीरम है, इसका रिव्यू वो इंस्टा पे मैंने दिया और उस पर अपनी सेकंड चैनल पे भी दिया है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोग को मेरे को अपने जुबान में रखें। तो अल्लाह हाफिज़।